दोस्तों, प्राचीन काल से ही कई देशों के एक दूसरे से नफरत करने के साक्ष्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वक्त के साथ दुनिया बदली, लेकिन कई देशों के बीच की दुश्मनी की भावनाएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। खासकर उन दो देशों के बीच जिनकी सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कुछ देशों के बीच नफरत की भावना उनके बॉर्डर ने तय नहीं है, बल्कि हर देश के पास इस दुश्मनी की अपनी अपनी दलील है। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं देशों के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्यों ये देश आपस में दुश्मनी लिए बैठे हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अमेरिका और चीन, दुनिया की दो बड़ी शक्तिशाली हस्तियां, अमेरिका और चीन के बीच पिछले 3 सालों से नफरत का माहौल है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक युद्ध छिड़ा है। वक्त बढ़ता रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच ये तल्खी बढ़ती जा रही है। हालांकि चीन इस व्यापार युद्ध में अमेरिका को हरा नहीं पाया है, जिसकी वजह यह है कि पिछले 2 से 3 सालों में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक संबंधों को मजबूत किया। इसके साथ ही उसने क्वाड को मजबूती दी है। पिछले कुछ सालों में चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वह खुद को अमेरिका से कम नहीं मानता। अंदर खाने की सही चीन अमेरिकी प्रधानता और दुनिया की उसकी वर्चस्व की चुनौती देने की मंशा जताता रहता है, लेकिन चीन को अपनी मानसिकता बदलते हुए शांति और समझौते की पहल करनी होगी ताकि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार हो सके। लेकिन फिलहाल ऐसा हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। ईरान और इराक के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, जिसका नतीजा 20वीं शताब्दी के सबसे लंबे युद्ध के रूप में सामने आया। 22 सितंबर 1980 को इराकी सेना ने पश्चिमी ईरान की सीमा में घुसपैठ किया, जिसके बाद साल 1988 तक यह युद्ध चलता रहा, जिसे युद्ध विराम लागू कर खत्म किया। हालांकि इस युद्ध में किसी को जीत नहीं मिली, लेकिन इस युद्ध में दोनों तरफ के तकरीबन 5 लाख लोगों की जान चली गई। ईरान और इराक के बीच हुए इस युद्ध की मुख्य वजह सीमा विवाद था, क्योंकि 1970 के दशक में इराक और ईरान के बीच हुए सीमा विवाद को लेकर एक संधि हुई थी, लेकिन इराक उससे असंतुष्ट था। इधर इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को लगा कि इस क्रांति के बाद ईरान की सेना कमजोर हो गई है, ऐसे में यह हमला करने का सही समय। तब के बाद से आज तक दोनों देशों के बीच नफरत की जो दीवार बनी हुई है उसे हटाया नहीं जा सका है। भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश शासन से पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाने के बाद यहाँ तनाव की स्थिति पैदा कर दी। खासकर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी खाई बना दी गई। आगे चलकर हालात इतने खराब हो गए कि साल 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। भारत से पाकिस्तान पलायन के वक्त बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। वहीं जब मुस्लिम बहुल रियासत होने के बावजूद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता गया, जिसका गवाह दोनों देशों के बीच हुए युद्ध है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की 1947, 1965 और 1971, और कारगिल के युद्ध दोनों के बीच शायद कभी खत्म ना होने वाली नफरत का ही परिणाम है। आज भी कश्मीर के लिए पाकिस्तान हर तरह के हथकंडे अपनाता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किम इल सुंग उत्तर कोरिया के नेता बने। उन्होंने यूएसएसआर का समर्थन किया। उन्होंने जापानियों पर हमदर्दी दिखाते हुए दक्षिण कोरिया पर हमला किया। अमेरिका, यूएसएसआर और चीन को इस युद्ध में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से यह शीत युद्ध का मुद्दा बन गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया, जिसके बाद उत्तर कोरिया ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य की कठपुतली है और सच्चे कोरियाई लोगों में से नहीं है, जिसके बाद ये उत्तर कोरिया के लोगों में दक्षिण कोरिया के लिए यही भावना नफरत की वजह बनी। दोनों देशों के बीच नफरत की दूसरी वजह कोरियाई प्रायद्वीप है, क्योंकि उत्तर कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप का एकमात्र वैध सरकार होने का दावा करता है। वो नहीं चाहता कि दक्षिण कोरिया यहाँ सत्ता हासिल करे, भले ही कई बार दावे किए जाते रहे हों कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन समय समय पर ऐसे उदाहरण आते जाते हैं जिससे साफ हो जाता है कि दोनों के बीच जो नफरत के बीच डाले गए थे उसने अब पेड़ का रूप धारण कर लिया है। अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम। द्वीप समूहों के लिए संघर्ष ने अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच संबंधों को खराब कर दिया है। फॉकलैंड द्वीप समूह पर यूके यानी ब्रिटेन का सदियों से कब्जा है, फिर भी इन द्वीपों पर अर्जेंटीना के लगातार दावों ने उनके संबंधों को नफरत में बदल दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूनाइटेड किंगडम का इन द्वीपों पर अपने दावे का समर्थन किया है। ये पूरा मामला 1690 का है। 1800 के दशक की शुरुआत में अर्जेंटीना तस्वीर में आया।
अंग्रेजों के दावों से अनभिज्ञ अर्जेंटीना ने न केवल इस द्वीप पर दावा किया बल्कि 900 साल बाद अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए इसे अमेरिका को दे दिया। अर्जेंटीना के इस कदम से ब्रिटेन नाराज हो गया। उस वक्त ब्रिटेन ने फॉकलैंड को अर्जेंटीना के दावे से मुक्त कर लिया, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में इसी मामले में अर्जेंटीना ब्रिटिश संबंधों ने एक बार फिर से खराब मोड़ लेना शुरू कर दिया। उनका विवाद इतना बढ़ा कि अर्जेंटीना ने अप्रैल 1982 में इन द्वीपों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अर्जेंटीना की करारी हार हुई, जिस वजह से दोनों देशों के बीच नफरत की खाई और भी गहरी होती चली गई। आर्मेनिया और अजरबैजान। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ट्रांसकेशियन संघ टूटा, जिसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश अस्तित्व में आए। ये दोनों देश यूएसएसआर में शामिल हो गए। अजरबैजान के नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई जाति के लोगों को स्थापित किया गया। यही क्षेत्र दोनों देशों के नफरत की वजह बनी। दोनों देशों ने इस इलाके पर अपना अपना दावा किया। इधर अजरबैजान का दावा है कि ये इलाका उसकी सीमाओं के भीतर है, इसीलिए उसका हिस्सा है। वहीं आर्मेनिया का दावा है कि यहाँ आर्मेनियाई बहुसंख्यक आर्मेनियाई हैं, इसीलिए इसे आर्मेनिया में शामिल होना चाहिए। इधर नागोर्नो कराबाख पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहते थे। 1988 में युद्ध की घोषणा भी की गई, जहाँ आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख का समर्थन किया और अजरबैजान को युद्ध के लिए ललकारा। इसी कड़ी में आर्मेनिया ने इस विवादित क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। चिली और पेरू। भारत और पाकिस्तान की तरह चिली और पेरू में काफी समानता है। दोनों की भाषा रहन सहन एक है, फिर भी दोनों देश एक दूसरे से नफरत करते हैं। और कश्मीर की तरह बोलीविया के लिए दोनों के बीच नफरत का जहर खुला। बोलीविया ने संयुक्त रूप से चिली के साथ एक तटीय क्षेत्र साझा किया। चूंकि ये भूमि मूल्यवान थी, इसलिए दोनों राष्ट्र इस पर एकमात्र अधिकार चाहते थे। इसके लिए साल 1879 में चिली और बोलीविया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पेरू ने बोलीविया का साथ दिया, लेकिन चिली ने उन दोनों को हरा दिया और बोलीविया की सभी तटीय भूमि और पेरू के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। 100 साल से ज्यादा टाइम बीत जाने के बाद भी चिली उस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से का मालिक है, जिसे पेरू वास्तव में पसंद नहीं करता है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच कानूनी लड़ाई भी चली। ईरान और सऊदी अरब। ईरान और सऊदी अरब दोनों पड़ोसी देश हैं, लेकिन दोनों देश शक्तिशाली हैं। दोनों के बीच दशकों से नफरत चली आ रही है, जिसकी दो वजहें, पहला क्षेत्रीय प्रभुत्व और दूसरा धर्म। ईरान में शिया मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो सऊदी अरब में सुन्नी मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। हालांकि पूरे मध्य पूर्व के कई देश इसी तरह के धार्मिक बंटवारे में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ देश समर्थन और सलाह के लिए ईरान की ओर देखते हैं, तो कुछ देश सऊदी अरब की ओर। इतिहास में झांकें तो सऊदी अरब में राजतंत्र रहा है। कहते हैं सुन्नी प्रभुत्व वाला सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थल है, जो कि इस्लामिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में एक में शामिल है। इसलिए सऊदी अरब भी खुद को मुस्लिम दुनिया के लीडर के रूप में देखता है। ग्रीस और मैसेडोनिया। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दुनिया में दो देशों ने 20 सालों से नाम को लेकर ही अपने बीच नफरत की दीवार खड़ी कर ली। इन दोनों देशों का नाम ग्रीस और मैसेडोनिया है। हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल ग्रीस के एक इलाके का नाम मैसेडोनिया है, इसी वजह से आज तक ग्रीस ने इसे एक अलग देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ग्रीस का मानना है कि मैसेडोनिया नाम होने के कारण उस पर अपना दावा जता सकता है। तभी तो ग्रीस ने आज तक मैसेडोनिया को ना तो नाटो में शामिल होने दिया और ना ही यूरोपीय संघ में। हालांकि इस विवाद की जड़ 2000 साल पुरानी है। उस वक्त मैसेडोनिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। विश्व विजेता सिकंदर की विरासत को लेकर लड़ाइयां भी होती रही। ग्रीस और मैसेडोनिया दोनों इस पर अपना हक जताते रहे। हंगरी और रोमानिया। ऊपरी तौर पर हंगरी और रोमानिया को एक दूसरे से कोई समस्या नहीं है, लेकिन बारीकी से देखें तो आपको दोनों के बीच नफरत और उसकी वजह भी दिख जाएगी। इसकी वजह ट्रांसिल्वेनिया है, जो कि रोमानिया का हिस्सा है, लेकिन हंगरी के भीतर कई लोग उसे हंगेरियन के रूप में देखते हैं। चूंकि 1920 तक ये हंगेरियन भूमि थी, इसलिए 1,00,000 से अधिक हंगेरियन अभी भी रोमानिया को अपना घर कहते हैं। इसे शेकली भूमि के नाम से जाना जाता है। रोमानिया का हिस्सा बनने के बाद से उनकी हंगेरियन पहचान को छीनने का प्रयास किया गया। हालांकि हंगरी ने इस मुद्दे को हल करने के लिए नागरिकता देने वाला कानून पारित किया था, लेकिन हंगेरियन नागरिक के पूरे समुदाय और रोमानियाई सरकार इससे खुश नहीं है। इस वजह से ये एक विचित्र जातीय संघर्ष बन गया है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 देश जो आपस में रखते हैं जबरदस्त दुश्मनी। अगर आपको इनके नफरत के किस्से पसंद आए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।